अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। तो व्यूअर्स, आप ये मेरे पीसी स्क्रीन पे एक ड्राइंग देख रहे हैं। ये पहले मैंने एक वीडियो बनाया था सेटिंग आउट पे, तो ये उसी से रिलेटेड है। लास्ट टाइम जो हमने यूज़ किया था सेटिंग आउट के लिए, वो हमने सिविल 3D में जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन अवेलेबल है पॉइंट्स का, ठीक है, पॉइंट्स पॉइंट क्रिएशन टूल, ठीक है। और यहाँ पे जो है यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है नन लिखा रहता है, आपने यहाँ पे इसको ऑटोमेटिक करना है। और अगर आप इन पॉइंट्स की कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो आप यहाँ दे सकते हैं। तो मैं ये प्रोसेस रिपीट कर रहा हूँ ऑटोमेटिक, ओके। और मैं ये सारा जो डाटा मेरे पास ड्राइंग है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और इसके बाद जो है ये पॉइंट इसमें क्रिएट हो जाएंगे। पॉइंट हमारे क्रिएट हो गए हैं, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। इनका मैंने स्केल चेंज किया है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जितने भी हमारे कर्व सेगमेंट हैं इनमें सिर्फ स्टार्ट और एंड का ही पॉइंट आया है, और इनका जो है रेडियस पॉइंट है, ठीक है, वो पॉइंट हमें इसमें डाटा में मिला है, ठीक है। अभी अगर इन कर्व्स की हमने सेटिंग आउट करनी हो, ठीक है, तो उसके लिए जो है हमें या तो ये रेडियस पॉइंट यूज़ करना पड़ेगा, या फिर ये स्टार्ट और एंड पॉइंट के साथ इसमें कर्व के ऊपर जो है हमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो रिक्वायर्ड होंगे, जो इस जो बाई डिफ़ॉल्ट ऑप्शन अवेलेबल है इसमें ये हमें नहीं मिलते। तो इसके लिए मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है, इससे मिलता जुलता लिस्ट मैंने पहले भी एक आप लोगों के साथ शेयर किया था। मैं उस वीडियो का भी लिंक दे दूंगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। तो ये सेम ड्राइंग है, इस पे हम लिस्ट की मदद से इसका सेटिंग आउट जो है पॉइंट जो है सेटिंग आउट डाटा जो है वो एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो लिस्ट ऑलरेडी मैंने लोड किया है, इसकी शार्ट कमांड है टेस्ट आर्क, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं ये जो ड्राइंग है इसको मैं सिलेक्ट आल करता हूँ, ओके। ये लिस्ट जो है पॉली लाइन पे वर्क करेगी और फीचर लाइन पे वर्क करेगी। तो मैं इसको एंटर करता हूँ, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। इसमें अभी जो मुझे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ विजन, आर्क पे हमें कितने नंबर ऑफ विजन चाहिए, कितने सेगमेंट चाहिए, कितने पॉइंट चाहिए, तो मैं इसको 3 देता हूँ, ठीक है। अभी ये मुझे मैसेज आ रहा है, ये जो पॉइंट क्रिएट होंगे इनका आपने जो ग्रुप रखना है, ठीक है, पॉइंट ग्रुप है उसका कोई नाम दे दें। तो मैं इसको सेटिंग आउट का नाम दे देता हूँ, मैं जस्ट इसको एंटर करता हूँ, पॉइंट हमारे क्रिएट होना स्टार्ट हो गए हैं। पॉइंट हमारे क्रिएट हो गए हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जैसे ये राउंड अबाउट का एरिया है, ठीक है, तो ये पॉइंट जो लिस्ट से क्रिएट हुए हैं और जो पॉइंट हमारे नॉर्मल सेटिंग आउट डाटा से क्रिएट हुए हैं, हम दोनों को कंपेयर करके देख लेते हैं कि दोनों में कितना डिफरेंट है, ठीक है। ओके, ये फाइल हमारी है जो हमने सिविल 3D के बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन यूज़ की है, उसकी फाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो डाटा हमारे पास आया है, ठीक है, ये वो डाटा है, ठीक है। और जो हमारे पास लिस्ट से डाटा आया है वो ये डाटा है। तो आप लोग फ़र्क देख सकते हैं कि लिस्ट से जो डाटा आया है वो ज़्यादा प्रिसाइज है, ठीक है, और इससे हमारे जो भी कर्वेचर हैं, ठीक है, और कर्वेचर के हिसाब से जो पॉइंट हमारे आए हैं उनके हिसाब से अगर जब हम सेटिंग आउट करेंगे तो हमारा काम जो है ज़्यादा एक्यूरेट, इसमें ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये वाले जो कर्व हैं यहाँ पे आप देखें पॉइंट कितने हैं, और यहाँ ये जो बाई डिफ़ॉल्ट आए हैं हमारे पास, ठीक है, आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास बहुत थोड़ा डाटा आया है, ठीक है, और ये इनफ नहीं है। तो मैं मज़ीद दिखाता हूँ आप लोगों को इसमें,
ये देख सकते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा ये जो इंटरनल एरिया है यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे भी जो लिस्ट से पॉइंट आए हैं, ठीक है, वो पॉइंट हमारे पास ज़्यादा आए हैं, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ओके, जहाँ पे ये आर्क पॉली लाइन में नहीं है वहाँ पे ये डाटा नहीं आया है, तो आपने अपना जो डाटा इससे कन्वर्ट करना है उसमें आपके आर्क वगैरह नहीं होने चाहिए, आपका पूरा डाटा जो है वो पॉली लाइन में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेम डाटा को यहाँ से, जैसे ये वाला सेक्शन है, इस सेक्शन को मैंने यहाँ पे फीचर लाइन में कन्वर्ट करके यहाँ ऑलरेडी मैंने रखा है, इसमें कोई एलिवेशन वगैरह मैंने नहीं दिया, अगर बाई डिफॉल्ट इसमें कुछ है तो वही आएगा, ठीक है। तो मैं इस पे भी आपको लिस्ट यूज़ करके दिखाता हूँ, ठीक है, टेस्ट आर्क, ओके। और इस डाटा को मैं सिलेक्ट करता हूँ, सेम ऑप्शन, तीन सेगमेंट में ले रहा हूँ, और इसका ये जो मैं ग्रुप है वो 3 के नाम से ही बना रहा हूँ। तो मैंने जस्ट इसको एंटर किया है, पॉइंट हमारे थोड़ी देर में क्रिएट हो जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो है, जब हमने इसको फीचर लाइन में कन्वर्ट किया है, तो यहाँ पे आर्क पे जो पॉइंट है वो ऑटोमेटिकली हमारे आ गए हैं, ठीक है। इसी ऑप्शन को अगर हम इस सेगमेंट को जब हम मज़ीद बढ़ाएंगे तो यहाँ पे हमारे मज़ीद पॉइंट आ जाएंगे। मैं इसको एक दफ़ा अंडू करता हूँ और मैं आपको इसमें मज़ीद इसमें पॉइंट क्रिएट करके दिखाता हूँ। मैं फिर इसमें लिस्प्लो की कमांड दे रहा हूँ, टेस्ट आर्क, ओके। और इस दफ़ा जो है मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे जो है मैं आर्क सेगमेंट में नंबर 4 एंटर करता हूँ, और ग्रुप में भी मैं नंबर 4 एंटर करता हूँ, पॉइंट हमारे क्रिएट होना स्टार्ट हो गए हैं, पॉइंट क्रिएट हो गए हैं, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये ट्राइंगल जो है, ठीक है, ये जो आईलैंड है आप इस पे भी पॉइंट देख सकते हैं, और यहाँ पे ये जो आर्क वगैरह है, ठीक है, आप यहाँ पे भी पॉइंट देख सकते हैं कि हमारे पॉइंट जो है इसमें क्रिएट हो गए। इन पॉइंट को आप यहाँ से इनके पॉइंट ग्रुप से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ये पॉइंट जो अभी मैंने क्रिएट किए हैं नंबर 4 और सेटिंग आउट के नाम से, ठीक है, आप इजीली इनको जो है यहाँ से एक्सपोर्ट के ऑप्शन यूज़ करके इनको इनके नंबर के हिसाब से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपकी 3D पॉली लाइन है तो उनमें आपके एलिवेशन भी उसी के हिसाब से इंटरपोलेट होके आ जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।